हम लोग आवृत्ति करेंगे वृंदावन महिमामृत ग्रंथ के प्रथम शतक का 73 नंबर का श्लोक, फर्स्ट शतक, टेक्स्ट 23। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वस्तु कोटिगुणं श्रुतं सुकृतं वासः अन्नवासादिभिः तीर्थे वासयितुः स्वयं हि तरति द्यौ तौ स यत् तारये। प्रेमानंद रसात्मधामनि परे वृंदावने वासकः तु आश्चर्याम् वृषभानुजा प्रिय रतिम् प्राप्नोति अनयासतः। वस्तु कोटिगुणं श्रुतं सुकृतं वासोन्नवासादिभिः। तीर्थे वासयितुः स्वयं हितरति दौतौ स यत् तारयेत्। प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वासकः। त्वाश्चर्या वृषभानुजा प्रियरतिं प्राप्नोत्यनायासतः। वस्तु कोटिगुणं श्रुतं सुकृतं वासोन्नवासादिभिः। वस्तु कोटिगुणं श्रुतं सुकृतं तीर्थे वासयितुः स्वयं हितरति दौतौ स यत् तारये। प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वासकः। त्वाश्चर्यां वृषभानुजा प्रियरतिं प्राप्नोत्यनायासतः। साथ में बोलिए।
वास्तु कोटि गुणं श्रुतं सुकृतं वासो न वासादिभिः तीर्थे वास्तयितुः स्वयं हितरति दौतस्य तारयेत् प्रेमानन्दरसात्मधामनि परे वृन्दावने वासकः त्वाश्चर्यामृषभानुजा प्रियरतिं प्राप्नोत्यनायासकः। हम लोग वृंदावन महिमा का श्रवण कर रहे हैं। ग्रंथकार वृंदावन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और उनकी अपेक्षा यही है, सब लोग वृंदावन का वास करें। संसार के लोग बंधन में पड़े हुए हैं और जो पारिवारिक बंधन है, सामाजिक बंधन है या शारीरिक भावना का बंधन है, उसको महत्व देते हैं, उसको त्यागने का सलाह दे रहे और कह रहे हैं कि ये मिथ्या है, झूठा है, इसका त्याग करके वृंदावन का सेवन करना चाहिए। कई एक श्लोक में इस बात को कहे हैं, लेकिन एक श्लोक में बड़ा जोर दे करके रहे कि अद्यैव अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय वृंदावनाय सकलार्थ सुरत द्रुमाय प्रेराधिका सुरत नाथ विशुद्ध भाव सत्राय मैवा कुरु कृत्य समाप्ति अपेक्षा। कई एक लोगों के मन में वृंदावन के प्रति बहुत आदर का भाव है, लेकिन इसके साथ ही वे अपने दायित्व को, जो सांसारिक दायित्व है, उसको महत्व देते हैं। यह दायित्व पूरा करके, यह कार्य पूरा करके तो वृंदावन ही चलना है। ये स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि अरे मूर्ख अद्यैव चल, अभी तुरंत चलो। शब्द आप देख सकते हैं, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय। जो भी जिम्मेवारी की बात करते हो, संबंध की बात करते हो, दायित्व की बात करते हो, इदं सर्वं विहाय अद्यैव चल, तुरंत चलो। अद्य मतलब अभी। अरे भाई कैसे चलें? और कि वो सुरक्षित स्थान है वृंदावनाय सकलार्थ सुरत द्रुमाय। किसी स्थान पर हो तो किसी प्रयोजन से ही ना, किसी लक्ष्य से ही ना। सकलार्थ सुरत द्रुमाय, जो भी प्रयोजन है वे सारे प्रयोजन को सिद्ध करने में वह कल्पतरु है वृंदावन। कल्पतरु की विशेषता है कि जो इच्छा होती है
उसको पूरा कर देता है, संकल्प करने से ही पूरा कर देता है। और वृंदावन के लिए करें कि सकल अर्थ, अर्थ धर्म का मोक्ष जो चाहते या इससे बढ़ करके पंचम अर्थ, ये सारे अर्थ को प्रदान करने के लिए ये कल्पत तरु के समान। श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव सत्राय मैव कुरु कृत्य समाप्त पेक्षा। जो राधिका नाथ हैं और उनके प्रति जो शुद्ध प्रेम है और उसको प्राप्त करने के लिए वृंदावन तुरंत चलो। मैवा कुरु कृति कृत्य समाप्त अपेक्षा, यह अपेक्षा मत रखो कि ये काम पूरा करके चलेंगे। कई एक लोगों के मन में विचार होता है लड़के का नौकरी लग जाए तो उधर ही चलेंगे, लड़की का विवाह हो जाए तो वृंदावन चलेंगे। कई एक लोगों की इच्छा होती है लेकिन ये रहता है कि ये पूरा करके ना, कृत्य मैव कुरु कृत्य समाप्त अपेक्षा, अपने कर्तव्य के अपने कृत्य की समाप्ति की अपेक्षा मत कर, अद्यैव च तुरंत चलो। अरे ऐसा भी होता है क्या कि कोई कहे कि चलो और कोई चल दे? हाँ होता है। संत समाज में एक घटना एक प्रसिद्धि है, जब जीव गोस्वामी वृंदावन में वास कर रहे थे और दक्षिण भारत से एक टोली आई। दक्षिण भारत में एक गदाधर भट्ट करके वैष्णव थे, वृंदावन के प्रेमी थे, भगवान के रसिक भक्त थे। और वहां सत्संग चलता था, वे पद लिखे थे, सखिरे मैं तो श्याम रंग रगी या पगी ऐसे कुछ पद था, और उनके अनुयायी उसी पद को गाते हुए वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे। जीव गोस्वामी उनको बुलवाए, कहां से आए हैं बतलाए, कौन ये पद सिखाया है वो भी बतलाए, गदाधर भट्ट। वे कहे कि हमारा एक चिट्ठी उनको दे देना, जा करके वो पर्ची दे दिया, कहे ठीक है हम लोग दे देंगे। तो उस पर्ची पर लिखा था अनाराध्य राधा पदाम्भोज जुग्म, राधा रानी के चरण जुगल की आराधना किए बिना, और अनासेव्य वृंदाटवी तत्पदांका, और वृंदावन का सेवन किए बिना, जो वृंदावन राधा नारी के चरणों से अंकित है, और असंभाव से तद्भाव गंभीर चित्ता, और जो राधा रानी के भाव से भरे हुए भक्त हैं और उनसे संभाषण किए बिना, कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगा, ये श्याम सुंदर के रस समुद्र में कैसे अवगाहन होगा? भाई श्याम सुंदर के रस सिंधु में अवगाहन के लिए, डुबकी मारने के लिए तो तीन काम जरूरी है, या कम से कम तीन में से है एक जरूरी है, तीन काम जरूरी है कि जो वृंदावन का सेवन नहीं किया, राधा रानी की उपासना नहीं किया,
और राधा रानी के भक्तों से संभाषण नहीं किया। वह श्याम सुंदर के रस समुद्र में कैसे अवगाहन करेगा? ये श्लोक ले जाकर के गदाधर भट्ट को दिए। उस समय सुनते हैं कि गदाधर भट्ट किसी कुएं पर दातुन कर रहे थे। दातुन समझ रहे हैं ना, वो वृक्ष का कोई डंठल लेकर के उसी को ब्रश बना करके और दांत साफ करते हैं। डीटी वर्शिप के लिए जाते हैं तो उसके पहले लिखा गया कि दातुन जरूर करना चाहिए। तो वे कुएं पर दातुन कर रहे थे, इसके बाद स्नान करते ये श्लोक पढ़े और बस स्नान भी नहीं किए, कुएं से घर पर नहीं गए, वहीं से चले आए। बरसाना में उनके समाधि का दर्शन नहीं, ऊंचो गांव में समाधि का दर्शन करते हैं राधा रानी को, श्री जी को वही प्रकट किए हैं। तो अद्यैव चल, बस तुरंत चलो, वो स्नान भी नहीं कहीं आगे रास्ते में किए होंगे जो किए होंगे, कुएं पर बैठे थे स्नान के लिए आए थे, घर नहीं गए थे। तो ऐसी घटना है। ग्रंथकार कह रहे हैं कि अद्यैव चल, अद्यैव मूर्ख चल, सर्व मिदम विहाय, सब छोड़ करके अभी चलो। तो कह तो रहे हैं लेकिन अब उधर की बात तो सुन लिए, अब इधर से कुछ सर्वे करने लगे, इधर से क्वेश्चनायर दे दीजिए तो कितने लोग तैयार होंगे। चलो आगो हम बढ़ाओ। लोग तुरंत तो तैयार नहीं होंगे। और कह रहे हैं कि ठीक है, अब तुम कह रहे हो कि ना, बात तो समझ में आ रही है लेकिन हमसे तो संभव नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके चले जाए, पति को छोड़ करके चले जाए, परिवार को छोड़ करके चले जाए, या जाब को छोड़ करके चले जाए, नौकरी का बंधन है। कि अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हो, तो साधो सकनो से नो चेत सकलम अपि हटात स्वप्न कल्पम विहातु। अरे भाई तुम छोड़ नहीं सकते हो लेकिन हमारी बात सुन लो कि स्वप्न कल्पम, तो ये जो नौकरी का महत्व तो दे रहे हो, परिवार का महत्व तो दे रहे, संबंध का महत्व तो दे रहे हो, ते सपना से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। स्वप्न कल्प, ये दुनिया के जो भी संबंध है और ठीक सपने जैसा है, तो सपना का कोई महत्व है? सपना में किसी से कितना हो घनिष्ठ संबंध हो जाए, कितना हो बड़ा पद पा जाए, कितना हो धन पा जाए, उसका कोई महत्व है? है कि अब सब नहीं त्याग कर सकते हो, यद्यपि है स्वप्न कल्प, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी स्थिति है, अब नहीं हठात सहसा इसका त्याग नहीं करते हो, तब एक काम करो, तरही तुम ध्वाय वृंदावनम अनिशम अथो पास वृंदावने सौ तन्नामानी एवं नित्यम जप सततम अतो तत्कथा संस्व। के सब त्याग करके वृंदावन नहीं जा सकते हो, वो अपने मन में कम से कम वृंदावन को बसाओ, सतत वृंदावन को बसाओ। और वृंदावन में, वृंदावन के भी जो उपास्य हैं, उस जुगल जोड़ी की उपासना करो, प्रिया प्रियतम की उपासना करो, और तन्नामानी एवं नित्यम जप सततम।
तन्नामान्य नित्यम जप, उन्हीं के नाम का जप करो और सतत मत्तत कथा संस्मृणिस्व और वृंदावन के विषय में निरंतर श्रवण करो। यह और श्रीमद वृंदावनस्था नत परिचर भो भोजना छादना दे। तुम नहीं वृंदावन में जा सकते हो, अपने दायित्व का त्याग नहीं कर सकते, परिवार का त्याग नहीं कर सकते, संबंध का त्याग नहीं कर सकते। और वृंदावन में जो निवास कर रहे हैं, जो वृंदावन में स्थित है, वृंदावनस्था परिचर, उनकी सेवा करो। अरे वे कैसे सेवा करें, हम तो यहाँ हैं और वे वृंदावन में निवास कर रहे हैं, तो हम कैसे सेवा करें। आए कि भोजना छादना दे, भोजन कपड़ा और आवास दे करके सेवा कर। जो वृंदावन आ नहीं सकते हैं, वहीं से कपड़ा भेज सकते हैं, अन्न भेज सकते हैं, या घर खरीदे हैं तो चाबी भेज सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति नहीं आ रहा है तो कोई आ ही नहीं रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं ना, तो उनके माध्यम से। और नहीं तो अभी तो इस समय कंपनी वाले होड़ मचाए हैं कि हम आपका सहयोग करेंगे, क्या बार कोटिंग कहते हैं, पेटीएम, क्या क्या सिस्टम है ना, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। अच्छा तो यह होगा कि तू ही चल, और नहीं चल सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो, तो जो वहां रह रहे हैं उनके भोजन कपड़ा आवास में सहयोग करो। अभी इससे भी कुछ लाभ होगा क्या, तब सिद्धांत दे रहे हैं जिस श्लोक का हम लोग आवृत्ति किए कि वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम अवासो न वासादिति तीर्थे वास इतु स्वयं हितरति दौतौ स यत्तारयति। कह रहे हैं कि ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा सुना जाता है कि जो तीर्थ में निवास करता है उससे करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है जो तीर्थ में निवास कराता है। एक व्यक्ति तीर्थ में निवास कर रहा है और दूसरा व्यक्ति तीर्थ में निवास करा रहा है। कैसे निवास करा रहा है, तो अन्नवास आदि भी, कपड़ा दे करके, भोजन दे करके। और जो वासयतु, वास कराने वाला है, दूसरे को वास करने में सहयोग कर रहा है, तो उसको करोड़ों गुना अधिक पुण्य मिलेगा। भाई ये क्यों गणित है, और उसका सिद्धांत दे रहे हैं कि वास करने वाला तो अपना उद्धार करेगा, लेकिन वास कराने वाला तो जिसको वास कराया उसका भी उद्धार होगा, और वास करने कराने के फल से उसका भी उद्धार हो जाएगा। तीर्थ के विषय में यह सिद्धांत दे रहा है, जो व्यक्ति वास कर रहा है उससे करोड़ों गुना पुण्य उसको मिलता है जो वास करा रहा है, क्योंकि वास करने वाला तो अपना ही उद्धार करेगा और वास कराने वाला दोनों का उद्धार कर रहा है, उसका भी उद्धार होगा, जिसको वास करा रहा है उसका भी उद्धार हो रहा है। यह तीर्थ का गणित है। और प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वास कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वृंदावन में किसी को वास करा रहा, वृंदावन के विषय में कह रहे हैं कि प्रेमानंद रसात्म धामनि, यह तो प्रेमानंद
घनीभूत स्वरूप है, उसी का धाम है। जो व्यक्ति वृंदावन वास कराता है, आश्चर्यम वृषभानुजा रति प्रियम, वृषभानुजा प्रिय रति प्राप्नोति अनायासत, वह व्यक्ति बिना प्रयास का ही, जो व्यक्ति दूसरे को वृंदावन वास करा रहा है और बिना प्रयास का वह राधा रानी के जो प्रियतम है उत्कृष्ण में रति प्राप्त कर लेगा, उसको भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, जो आश्चर्य आश्चर्यजनक है, बहुत सुखद है। और वृंदावन में वास के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो व्यक्ति इसके लिए नहीं अभी तैयार है, नहीं त्याग करके आ सकता, और उसको जो वहां निवास कर रहे हैं उनका सहयोग करना चाहिए। और जो व्यक्ति वृंदावन में निवास करने में सहयोग करेगा उसे कृष्ण प्रीति की प्राप्ति हो जाएगी, और यह सिद्धांत दे रहे। और आगे बढ़ाओ, ये सिद्धांत को और पुष्ट कर रहे हैं। वृंदावन की यह महिमा है, जो व्यक्ति वृंदावन से किसी प्रकार से अपना संबंध जोड़ दिया तो वृंदावन उसको छोड़ने वाला नहीं है। डोरा जुड़ गया तो वृंदावन उसको खींच ही लेगा, और तुम वहां जाओ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जा सकते हो और कुछ कनेक्शन किसी तरह जोड़ दो। और इस विषय में सिद्धांत दे रहे हैं, जे वृंदावन मां बसंति यदि वा स्पृष्ट्वाथ दृष्ट्वा गता ध्यायन्ते प्रणमन्ते तद्गुणगणान् गायन्ते श्रृण्वन्ति वा मूर्ध्ना बिभ्रति तद्रजः क्वचन तत्सम्बन्ध सम्बन्धिनः तानान्युत्तानत्तुन्नयते परं पदमः वृंदावनम पावनम। सिद्धांत दे रहे हैं कि जे वृंदावन मा वसंती, जो वृंदावन में भली भांति निवास कर रहा है, यदि वा स्पृष्ट्वात दृष्ट्वा गता, या वह निवास नहीं कर पा रहा है तो वहां आया, दर्शन किया और स्पृष्ट्वा नमस्कार किया, अपने ललाट से स्पर्श किया और गता, फिर अपने स्थान में चला गया, अपने शहर में चला गया। लेकिन ध्यायन्ति प्रणमन्ति तद गुण गणा, अब वहीं से वृंदावन को प्रणाम कर रहा है, वृंदावन का गुणगान कर रहा है, वृंदावन के गुण का श्रवण कर रहा है, और मूर्धना बिभ्रति तद रज, और अपने मस्तक पर वृंदावन का रज धारण कर रहा है। अरे कि क्वचन किसी तरह तत्संबंध संबंधिन, वृंदावन के संबंध से संबंधित हो गया तो तान अत्युन्नयते परम पदम हो वृंदावनम पावन। अब उस व्यक्ति को ये पावन वृंदावन ही अति उन्नयते, उसको अति ऊंचाई पर पहुंचा देता है। कहां? परम पदम, जो सर्वोच्च स्थान है, भगवान का नित्य धाम है, वहां पहुंचा देगा। और ऐसा श्लोक है कि इसको दो तरह से व्याख्या कर सकते हैं। ये वृंदावन मा वसंती, जो वृंदावन में निवास कर रहा,
अथवा आया, दर्शन किया, नमस्कार किया और चला गया। लेकिन वहीं से वृंदावन को प्रणाम कर रहा है, उसके गुणगान कर रहा है, उसके गुण का श्रवण कर रहा है, रज धारण कर रहा है, किसी तरह संबंध रखा है, और वृंदावन उसको परम पद को पहुंचा देगा। या दूसरा अर्थ है कि जे वृंदावन मां वसंती, जो लोग वृंदावन में निवास कर रहे हैं, अब और कोई व्यक्ति आया, उनका दर्शन किया, उनको प्रणाम किया, वृंदावन में जो अच्छा से नियम पूर्वक रह रहे हैं उनका दर्शन कर लिया और उनको प्रणाम किया, और जा करके वो रहने वाले व्यक्ति का ध्यान कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, गुणगान कर रहा है, उनके चरण का रज धारण कर रहा है, और तत्संबंध संबंधी न, जो वृंदावन से संबंधी है और उससे संबंध रखा, या तो डायरेक्ट वृंदावन से संबंध रखा या वृंदावन के संबंधी से संबंध रखा, और वृंदावन उसको अति उन्नयते, उसका अति उन्नति करेगा, परम पद तक पहुंचा देगा। अरे प्रश्न होगा कि परम पद क्या है? तो परम पद भगवान का नित्य धाम है। ये जो भौम वृंदावन है, और इसके सेवन से भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो जाती है, तो वह परम धाम है। वृंदावन नित्य धाम तक पहुंचा देगा वृंदावन से संबंध रखने पर। या एक सिद्धांत के अनुसार ये वृंदावनम पावनम कर्ता और कर्म दोनों है, जो संस्कृत जानते हैं तो नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीय एक ही विभक्ति होता है ना, वृंदावन पावनम, पावनम वृंदावनम, ये कर्ता भी है, ये कर्ता है, तो कर्म क्या है? परम पद। और इसको कर्म में भी ले लिया जाए तो कोई दोष नहीं है, वे वृंदावन परम पद को पहुंचा देगा। और कोई प्रश्न कर दे कि हमको नहीं समझ में आ रहा है परम पद क्या होगा, तो ग्रंथकार के वृंदावनम पावनम, वो सर्वोच्च पद तो यही वृंदावन है। आप लोग सुनते हैं ये जो वैष्णव हैं तो सायुज मुक्ति तो स्वीकार ही नहीं करते, और सेवा हटा दिया जाए तो और चार प्रकार के मुक्ति को भी नहीं स्वीकार करते। और कोई कोई ऐसे महानुभाव है जो वृंदावन से बाहर जाना ही नहीं चाहते, और वृंदावन में रह रहे हैं और वृंदावन में ही रहना चाहते, यहां से कहीं नहीं जाना चाहते, और इसी बात का संकेत कर रहे हैं कि तान उन्नयते, उनका अति उन्नति करता है, परम पद पर पहुंचा देता है। अरे परम पद की व्याख्या कीजिए, समझे, वृंदावनम पावनम सबसे बड़ा पद यही है, इससे बढ़ करके कहीं दूसरा स्थान नहीं। तो अब हम अपने को असमर्थ महसूस कर रहे हैं कि हम नहीं वृंदावन पहुंच सकते, बंधन में है, तो वृंदावन से संबंध रखना चाहिए, वृंदावन खुद ही उसको पहुंचा देगा। और संबंध के विषय में ध्यान रखना चाहिए कि एक बार का भी संबंध वो काफी होता है। कह रहे हैं कि यत् पुष्पम घ्रातवंत सकृद अपि, एक बार भी वृंदावन के किसी फूल का गंध ले लिया,
या वृंदावन के हवा से स्पर्श हो गया, या वृंदावन का दर्शन कर लिया, वृंदावन में रहने वाले किसी आदमी का दर्शन कर लिया, और जिसका सब लोग सम्मान करते हैं, जिस वृंदावन का, अब इसका कृत्य है कि यदि वह व्यक्ति मगध में भी मरता है, मगध है मरने के लिए सबसे खराब स्थान, मरने के लिए सबसे अच्छा स्थान काशी को माना गया है, और मगध कीकट क्षेत्र वो खराब है। एक कह रहे हैं कि एक बार सूंघ लिया, एक बार हवा से स्पर्श हो गया, तो भले ही वो कहीं मरे लेकिन ये वृंदावन खींच करके यहां लाएगा। तो ये वृंदावन की महिमा है, किसी तरह संबंध रखना चाहिए। लेकिन एक ग्रुप तो बड़ा उत्साह में हो जाएगा कि तब तो हम यहीं से करेंगे। जीव गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी स्पष्ट सिद्धांत दिए है कि श्रुता स्मृता कीर्तिता च वांछिता प्रेक्षिता गता स्पृष्टा श्रुता सेविता च मथुरा अभिष्टदा निर्णाम। वे कह रहे हैं कि वृंदावन से किसी प्रकार से कोई संबंध रखता है, वो नौ प्रकार से संबंध को बतला रहे हैं। कोई व्यक्ति वृंदावन के विषय में श्रवण कर रहा है, या वृंदावन के विषय में स्मरण कर रहा है, उसका कीर्तन कर रहा है, वृंदावन जाने की इच्छा कर रहा है, और वृंदावन को दूर से ही देख रहा है, या वृंदावन पहुंच गया, वृंदावन को नमस्कार किया, वृंदावन में ही कुटिया बना लिया, घर की व्यवस्था कर लिया, या वृंदावन का सेवन कर रहा है। ये नौ गेट है, ये किसी भी गेट से वो प्रवेश करना चाहता है, नौ विधा है, किसी को अंगीकार करता है तो मथुरा अभिष्टदा निर्णय, जो उसके अभिष्ट है, जो वह चाहता है उसको ब्रजमंडल प्राप्त करा देगा। केवल सुनने मात्र से, केवल स्मरण करने से, केवल गुणगान करने से, वो पहुंचे या न पहुंचे, केवल वृंदावन जाने की इच्छा करने से, और नजदीक नहीं गया दूर से ही देखने से, या वहां पहुंच गया, या वृंदावन को नमस्कार किया, वह वहीं रहने लगा, या नियम पूर्वक रहने लगा, ये नौ विधा में किसी को स्वीकार करता है तो उसका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि नौ विधा बराबर नहीं। सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन सुनने से अच्छा है स्मरण करना, और उससे भी अच्छा है प्रकट वृंदावन का कीर्तन करना, और उससे भी अच्छा है डायरेक्ट वृंदावन में पहुंच जाने की इच्छा करना, और उससे भी अच्छा है भले ही दूर से प्लेन से जा रहा है कुछ भी, एक बार दर्शन हो गया, और उससे भी अच्छा है कि वहां पहुंच गया, भले ही जूता पहने पहने गया है, और उससे अच्छा है कि स्पृष्ट जा करके वृंदावन का ललाट से स्पर्श किया, और उससे अच्छा है कि वही कुछ रहने की व्यवस्था बना लिया, आश्रय ले लिया, और सबसे अच्छा है वृंदावन की सेवा करते नियम पूर्वक वहां निवास करना। और किसी को अंगीकार करेंगे तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा है कि सेवा करते हुए कुछ नियम लेकर के पाठ का, दर्शन का, और वहां निवास कर रहे, और ये सब वृंदावन के प्राप्ति का, अपने उद्धार का कोई एक विधा है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि हम वृंदावन के लाभ से वंचित रह जाएंगे, सब इसका लाभ ले सकता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि सबसे उत्तम विधा है वृंदावन में सेवा करते हुए निवास करना। समय पूरा हो गया इसलिए मैं यहीं विराम दे रहा। हरे कृष्ण।